हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 9th पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मैं ये टॉपिक वर्क करवा रहा हूँ जिसमें आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे MCQ के माध्यम से। अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद हो और इम्पॉर्टेंट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 4 में इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे 1, 2, 3 के बारे में बात करेंगे, भाग 1, 2, 3 के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व को संविधान में क्यों ऐड किया गया। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जैसे संविधान का विकास हुआ, उसके साथ इसका भी विकास हुआ और इसका मूल कर्तव्य है कि जन कल्याणकारी राज्य यानी कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना हमारे नीति निर्देशक तत्व का एक मेन काम है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक और आर्थिक चार्टर, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा चार्टर और तीसरा है सामुदायिक कल्याण चार्टर। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। देखिए, इसके अलावा हम बात करते हैं भाग 1 और 2 और 3 के बारे में। देखिए, भाग 1 में बताया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 के बारे में दिया गया है। भाग 2 में बताया गया कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया और इसमें जो है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में इसके डिटेल दिया गया है। भाग 3 में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई और इसमें जो है 12 से 35 आर्टिकल्स के बारे में इसमें मौलिक अधिकारों के पूरी डिटेल दिया गया है। दोस्तों, इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है नीति निर्देशक तत्वों को। देखिए, हमारे संविधान में हमने विश्व के कई देशों से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ को अडॉप्ट किया जो हमारे देश के लिए सुटेबल हो। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को अडॉप्ट किया। उसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका से क्या क्या चीज़ हमने लिया उसको देखते हैं। और इससे पहले हम देखेंगे कि आयरलैंड से हमने और क्या चीज़ अडॉप्ट किया। आयरलैंड से हमने लिया कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, वो भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूँ कि आयरलैंड पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जिन्होंने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्व को सबसे पहले अडॉप्ट किया था, पहले उन्होंने उसमें संविधान में जोड़ा था। इसके अलावा हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ अडॉप्ट किया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू भी हमने अमेरिका से लिया। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट कैसे लगाया जा सकता है, ये सारी चीज़ हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया। उसके अलावा कनाडा से हमने लिया है सरकार की संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, ये हमने कनाडा से लिया है। उसके अलावा ब्रिटेन से लिया हमने संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमने सारे ब्रिटेन से लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें सही कथन नहीं है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं केस, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ऑप्शन बी कहता है गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा सही नहीं है। उसके अलावा इसे हमें आयरलैंड से लिया है, बिल्कुल सही है। और ये कहता है कि ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है कि ये हमारा गलत है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। देखिए, क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जो है एक बाध्यकारी नहीं है किसी स्टेट के ऊपर, यानी कि अगर वो उस पर लागू नहीं करता तो हम उसको न्यायालय में जाके उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? तो कौन सी ऐसी विशेषता जो है नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके हनन होने पर हम न्यायालय में केस दर्ज नहीं कर सकते हैं और न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑप्शन ये कहता है संवैधानिक, विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। देखिए, एक तरह से नीति निर्देशक तत्व जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक सिफारिशें हैं, उनके लिए बाध्यता नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन बी कहता है 1935 अधिनियम में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। तो 1935 में जो अधिनियम लागू किया था, उसके जो अनुदेश थे, उसके
लगभग समान है ये नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये भी सही है। उसके अलावा ऑप्शन डी कहता है इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे गलत है, जो कि बताता है कि नीति निर्देशक तत्व की एक विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो कौन सा हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि गाय का बछड़ा या अन्य किसी दुधारू पशु की बलि लगाना ये नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। उसके अलावा बी ऑप्शन कहता है सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, और 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कहता है आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में कहता है आर्टिकल 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, इसमें 41 आर्टिकल क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सबको है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किन अनुच्छेद में की गई है, तो कौन से आर्टिकल में हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। देखिए इसके अलावा 5 से 11 में बात की गई है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बात की गई है, और 12 से 35 में बात की गई है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है, तो इसका राइट आंसर होगा इनकी प्रकृति समाजवादी है। देखिए एक तरह से हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है एक सोशलिज्म है इनकी समाजवादी के रूप है। उसके अलावा पहला ऑप्शन देखिए कि कहता है कि नैतिक और एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, जो कि गलत है। यह स्वतः लागू हो जाता है, बिल्कुल गलत है। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, जो कि गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है इसका, क्योंकि ये इसकी जो प्रकृति है एक समाजवादी है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्व के अनुसार सही नहीं है, तो इसमें हमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। देखिए ये कहता है कि सहभागिता करने का न प्रयास करना, जो कि निर्देशक तत्व के अगेनिस्ट हैं। इसके अलावा ऑप्शन हम देखेंगे कि समान कार्यों के लिए समान वेतन और यह आर्थिक समता और विकास के भीतर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है कार्यों के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था होना चाहिए। देखिए एटलीस्ट कोई भी व्यक्ति कार्य प्राप्त कर सके तो उसके लिए एक स्टेट के द्वारा एक अधिकार जो प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है बेरोजगारों के मामलों में जो है शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, जो भी लोग बेरोजगार होते हैं उनको उनके लिए जो है हेल्प करना एक स्टेट का कर्तव्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ तो हमने देखा ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि इन्होंने बोला कि कौन सा यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व के अनुसार सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी, तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया, यानी कि 42वां संशोधन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि नीति निर्देशक तत्व जो है मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त की जा सकती है। देखिए केशव नंदन भारती बनाम भारत संघ में ये बताया गया था, एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और नीति निर्देशक तत्व जो है एक तरह से लक्ष्यों को वर्णित करता है, और उसको पूरा कौन करता है, मौलिक अधिकार जो है इसको पूरा करता है, और उसको पूरा करने का एक तरह से एक साधन है मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार, ठीक है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व में लक्ष्यों को वर्णित किया गया और उसको जो प्राप्त करने का जो साधन है मौलिक अधिकार हमारा संविधान में है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया, तो इनकी संविधान में क्यों इसको ऐड किया गया, हमने पहले ही बताया था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 37 में कहा गया संविधान के इसमें कि कोई भी स्टेट अगर कोई भी लॉ बनाता है तो इन नीति निर्देशक तत्वों को उसमें अप्लाई करना चाहिए, उसको जो है लागू करना चाहिए इसके थ्रू, ठीक है। और इसको लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 और 365 का प्रयोग करके जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही ऐसा है जो
आर्थिक न्याय प्राप्त करता है, जो हमने पहले बात की था कि इसको तीन भागों में बांटा गया, तो उसका एक ऑप्शन है कि आर्थिक न्याय, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। देखिए, हम इसमें बताना है कि कौन सा नीति निदेशक तत्व नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये सही नहीं है, बाकी ये सारे ऑप्शन सही है नीति राज्य के नीति निदेशक तत्व के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो देखिए, राज्य के मूल अधिकार में हमें पता है धर्म की स्वतंत्रता और अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो है मूल अधिकार में नहीं है, लेकिन नीति निदेशक तत्व में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, गांधीवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक जो है सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी उन्होंने, और ग्राम पंचायत की बात की थी उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ये कहा जाता है कि स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायत का गठन होना जो है पूरे देश में अनिवार्य है, ये गांधीवादी सिद्धांत का है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए, इसमें मूल कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस से क्या क्या चीज़ लिया उसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे रूस से हमने और क्या चीज़ लिया। देखिए, रूस से हमने लिया है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी हमने रूस से अडॉप्ट किया है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। और तीसरा ऑप्शन कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। और जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा, ये हमने फ्रांस से लिया। और स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व के आदर्श, हमने ये सारी चीज़ हमने फ्रांस से लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। देखिए, 1976 में इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान के में मूल कर्तव्य को, और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको जोड़ा गया था। और इसको क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, देखिए 1975 और 77 में जो आंतरिक आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू हुआ था, उस समय ये देखा गया कि लोगों के अपने कर्तव्य के प्रति जो है जागरूक होना चाहिए, और इसकी एक आवश्यकता पड़ी। और ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और स्टार्टिंग में जो है 10 जो है कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो है इसको 11 जो है जोड़ा गया था, ठीक है। और देखिए, इसमें कुछ अधिकारों की बात की गई है और हम वो आगे देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में। और ये 1976 में 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्य अभी है 11, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और जब स्टार्टिंग में जो 42वें संशोधन हुआ था 1976, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86 संशोधन में ये जोड़ा गया था, और 2002 में। और वो 11वां मूल कर्तव्य क्या है, वो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षक जो है उनका कर्तव्य कि उनकी जो है अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा उनको दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया। देखिए, इसमें मूल कर्तव्य के लिए केवल एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 51A यानी कि क, इसके बारे में जो है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और इसमें हमने देखा कि 11 जो है मूल कर्तव्य हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसमें 12 से 35 और 36 से 51 और 19 इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 12 से 35 जो आर्टिकल है उसमें हमने देखा कि मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है, और 36 से 51 जो अभी हमने देखा कि नीति निदेशक तत्व के बारे में बात की गई है, और 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, भारत के नागरिकों को है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी असत्य है, क्योंकि ये है 86वें संशोधन के द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये देखिए, पहला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये आर्टिकल 4A में जोड़ा गया था इसको के द्वारा जोड़ा गया, और 42 कहता है कि 42 संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और लोक प्रतिनिधि यानी कि अधिनियम जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो 1951 में बना था। ये सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा गलत है, असत्य है। ये हमने इसके बारे में बात किया अभी कि 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और जिसके अकॉर्डिंग बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाना प्रयोजन है।
एक्चुअली इसको क्यों एक्चुअली रीजन पड़ा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, देखिए इसके लिए ऑप्शन है इनकी बी करेक्ट हो गया, इनकी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए नियंत्रण करने के लिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को की अवहेलना करने वालों को इनके लिए क्या व्यवस्था है, तो देखिए उसके लिए जो है दंड की व्यवस्था नहीं है, जैसे हमने देखा नीति निदेशक तत्व तो अगर कोई राज्य अप्लाई नहीं करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कोई भी स्टेट बाध्य नहीं है और न्यायालय में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, उसी तरह मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन नहीं करता तो उसको दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, देखिए मूल कर्तव्य है इसमें कौन सा नहीं है, यह माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये हमारे संविधान में कहीं पे लिखा नहीं है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये नहीं आता है, बाकी संपत्ति सुरक्षित रखना, जो सार्वजनिक संपत्ति है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, लोगों के बीच में भाईचारे की स्थापना है, ये सारी चीज़ हमारे मूल कर्तव्य है, ये मैंने कुछ डिटेल में दिया हुआ है, आप एक बार वीडियो को वॉच करके ये सारे जो है मौलिक कर्तव्य को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, देखिए करों की अदायगी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है हमारे ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ये मैं पहले हमने देखा था कि ये पांच मैंने मौलिक कर्तव्य यहाँ पे लिखे हैं, बाकी जो है छह यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, बाकी वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सही है, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बिल्कुल सही है। देखिए 1974 नहीं है, ये 1972 है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को जो है देश के लिए बनाया ताकि अवैध तस्करी को रोका जा सकता है, अवैध व्यापार को रोका जा सकता है, जो हमारे वन्य जीव है उनके जो है अवैध तस्करी और शिकार को रोका जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो है लैंगिक समानता का जो सिद्धांत के बारे में कौन से जो है ऑप्शन बात करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रस्तावना मौलिक अधिकार कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सारे जो है लैंगिक समानता की बात करता है। देखिए लैंगिक समानता यानी कि संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है बल्कि राज्यों को ये बताता है कि जो है महिलाओं के लिए पक्ष में उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार जो है सबको देता है, यानी कि जो है महिलाओं के प्रति सकारात्मक भेदभाव ये सारी चीज़ जो है डेवलप करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक प्रावधान है, तो देखिए ये प्रावधान किस में, ये फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आता है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट होगा, तो ये जो चीज़ मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, देखिए मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है हमने देखा कि मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा नहीं आता, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये है एक जो है ये जो है नीति निर्देशक तत्व का है। ठीक है, देखिए ये हमने देखिए मौलिक अधिकार का क्वेश्चन लिया, जानबूझ कर लिया ताकि जो है पता लगे कि कौन से हमारे इनको डिफ्रेंशिएट करके आपको याद करना जो है अनिवार्य है, क्योंकि कई बार एग्जाम में दिया होगा 4-5 ऑप्शन, उसमें आपको बताना होगा नीति निर्देशक तत्व तो कौन सा है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी, इसमें इनकी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सारे ऑप्शन ये कहता है मौलिक कर्तव्य के बारे में है। अगला और लास्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जो है भाग 4-5 में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई जो कि गलत है, ये दिया गया हमारे 4A में इसके बारे में बात की गई हमने देखा था, बाकी हमने देखा कि भाग 2 में नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य और 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। देखिए कि हमने बताया था कि 1976 में संविधान के संशोधन किया गया जिसमें जो है भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें जो है आर्टिकल 151 क को जोड़ा गया, जिसमें स्टार्टिंग में हमने देखा कि 10 कर्तव्य को जोड़ा गया, बाद में जो है 11वें को जो है 46वें संशोधन के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।